मसला ये है कि रोज़े की हालत में इत्र या परफ्यूम वगैरह लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इत्र हो या परफ्यूम वगैरह हो, अगर जिस्म के अंदर जिस्म के ऊपर लगाया जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी खुशबू होती है जो उड़ जाती है। और उस खुशबू के ज़र्रात, ज़र्रात का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, तो ज़र्रात हार्ड फॉर्म में कोई चीज़ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होती, बल्कि खुशबू है, जैसे खाने वगैरह की खुशबू होती है। तो जैसे खाना वगैरह की खुशबू जो हमारे जहन के अंदर जाती है, जो हमारे दिमाग के अंदर जाती है, उसे रोज़ा नहीं टूटता, तो ऐसे ही इत्र परफ्यूम वगैरह लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर अगरबत्ती है, धुएँ वाली कोई चीज़ है, जैसे अगरबत्ती होती है या कोई और चीज़ होती है, तो अगर धुएँ वाली कोई चीज़ है और वो हमारे मुंह के अंदर चली जाती है, नाक के ज़रिए से या सामने से, तो फिर उससे रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा रोज़े की हालत में इस तरह की अगरबत्ती वगैरह की खुशबू सूंघने से बचा जाए, क्योंकि धुआँ वगैरह अगर पेट के अंदर चला गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा।